सर अगले साल टाइगर थ्री और पठान देखने को मिलने वाली, क्या लगता है कौन सी फिल्म ज़्यादा चलेगी? देखिए ज़्यादा तो टाइगर थ्री चलेगी मेरे हिसाब से, पठान बहुत ज़्यादा चलने वाली, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब मैं समझता हूँ अभी जो भी बॉलीवुड की फिल्म है, हिंदी फिल्म, अभी तो साउथ की भी कोई फिल्म आई नहीं रही, तो अभी अपकमिंग जो भी फिल्म है उनमें सबसे ज़्यादा नाम, सबसे ज़्यादा हाइप और सबसे ज़्यादा कमाई भी, मैं बता रहा हूँ, बुरी स्थिति भी होती है अगर पठान की तो भी सबसे ज़्यादा कमाई, बहुत गजब की फिल्म कमाई कमर करने वाली है, बेहतरीन होने वाली, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन टाइगर उससे भी ज़्यादा कमाई करेगी, ये गारंटी है, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा टाइगर का नाम बवाल होगा। क्या है कि अभी कोई फिल्म के ग्लिम्स निकल के नहीं आ रहा, इस वजह से ना लोग कह रहे कोई पूछ भी नहीं रहा है। मैं देख रहा हूँ लोग कह रहे हैं भाई कोई नहीं पूछ रहा टाइगर को फलाने का। अरे भाई इसलिए क्योंकि अभी फिल्म को एक साल है फिल्म को, आप देखिए तो आप ऐसे में वो नहीं कर सकते ना। पठान और सारी फिल्मों के नाम इसलिए हो रहा है क्योंकि अगले महीने रिलीज हो रही है फिल्म को, एक दिसंबर आ गया, अगले महीने जनवरी में पिक्चर रिलीज हो रही है, तो वो तो होगा ही होगा ना, बड़े एक्टर की फिल्म चार साल बाद आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। पठान बिल्कुल कमाई करेगी, हम चाहते भी कमाई करें, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन टाइगर से आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि टाइगर बहुत ही बड़ा नाम होगा, टाइगर का लेवल अलग होगा। एक बार होने तो दो, आप मैं समझता हूँ जिस दिन टीजर वीजर की आसपास की भनक भी लगना शुरू हो जाएगी ना सोशल मीडिया पर, टीजर आने वाला 15-20 दिन एक महीने के अंदर टीजर आने वाला, बस उसी के बाद ऐसा बवाल हो जाएगा, फिर टीजर से जो ट्रेलर तक चलेगा, फिर ट्रेलर के बाद से कहने की जरूरत नहीं है मुझे। क्योंकि देखिए टाइगर को अगर समय लेकर वो क्रिएट किया जा रहा है तो उसके लिए इसलिए क्रिएट किया जा रहा है क्योंकि उसका नाम इतना है। अब देखिए मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का फिल्म का नाम हो जाता है उस प्रकार से उसको डिलीवर करना पड़ता है। पहली वाली जो फिल्म थी एक था टाइगर, उसको ऑडियंस ने पसंद किया, ठीक है, सलमान भाई का एक्शन वगैरह उसमें एंड में देखने को मिला था, वो बाइक लेकर चढ़ जाते हैं प्लेन पर वो, लेकिन टू मुझे लगा था डाउन हो जाएगी, टू में तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन टू उससे भी बेहतर बना दिया यार वाकई में। एक था टाइगर ज़्यादा बेहतर टू देखने को मिली, टाइगर जिंदा है मुझे, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, मज़ा आ गया। तो अब थ्री को भी तो उसी लेवल का बनाया जाएगा, सलमान खान, इमरान हाशमी, मजा आएगा बढ़िया। तो मुझे लगता है टाइगर थ्री बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करेगी, लेकिन मैं समझता हूं एज वेल एज पठान भी बहुत बढ़िया कमाई करने वाली है 25 जनवरी को।